के नाव से सिमृत स्वामी के लिख नाव से सुख सहज आनंद निवास सिमृत स्वामी नाव से सुख सहज आनंद निवास सुख सहज आनंद निवास राम जना को राम जना को राम भरोसा राम जना को राम सब मिटियो अंधेसा नाम जपते सब मिटियो अंधेसा राम जना को राम भरोसा राम जना राम भरोसा साथ संग किछ भावना साथ संग किछ भावना बराती गुण गोपाल गाइए दिन राती गोपाल गाइए दिन राती राम जना को राम जना को राम भरोसा राम कर कृपा कर
कर कृपा बंधन प्रभु छोट कर कृपा बंधन प्रभु छोट चरण कमल चरण कमल की दीनी ओट चरण कमल की दीनी मन भई प्रतीत को नानक मन भई प्रतीत निर्मल जस पीवे जननी निर्मल जस पीवे जननी राम जना राम जना को राम भरोसा राम जना को राम भरोसा नाम जपत सब मिटियो अंदेशा राम अब कहो अब कहो राम भरोसा तोरा अब कहो राम भरोसा तोरा तब कहू कौन तेरे भरोसे प्यारे तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया तुम्हारी आस
आस भरोसा तुम्हारा मैं लाड लड़ाया। तुम्हारी आस भरोसा तुम्हारा तुम्हारा नाम दिले धरना तुमरो बाल तुमरो बाल तुम संग सोहेले ना तुम डोलो ना हम गिरते तेरे भरोसे प्यारे। ना तुम डोलो ना हम गिरते तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल तू अडोल कदे डोले नाही आस भरोसा तू अडोल कदे डोले नाही हम डरया ना ओ बिन से ना हम करया ना ओ निर्धन ना ओ निर्धन ना हम भूखे तेरे भरोसे प्यारे। ना ओ निर्धन ना हम भूखे ना उस दुख ना हमको दुखे तेरा भरोसा प्यारे आन नहीं किया पर विरत पसारा कि नहीं किया पूजा विस्तारा किन्हू निवल भुयंगम साधे निवल भयंगम साते मोहे दीन मोहे दीन हर हर आराधे आन न जाना वेसा तुदनु छोड़ तुदनू छोड़ जाइए प्रभु के दर आन ना बिया तेरी समसर तेरे भरोसे प्यारे। तेरे भरोसे प्यारे आस पे आस तुम्हारी आस भरोसा तुम्हारा तुम्हारा नाम दे ले धरना
वाले तुम संग सुहेले जो जो कहो जो जो कहो सोई सोई करना जो मांगो जो मांगो सोई सोई पावो अपने खुशबू भरोसा अपने खुशबू भरोसा जो कमीत साजन है समिया तिस जन को कहो का की कमिया अपने खसम भरोसा तिस जन को कहो का की कमिया अरे भंडार भरे भंडार अखुट अतोल अपने खसम भरोसा तो मैं आया तो मैं आया शरणी आया भरोसे आया अल्लाह भरोसा बड़ी विचार मंगता है जीवन दा अतुट हिस्सा है ये एक लफज मेरा तुहाडा नहीं संसार दे हर जीव दा प्रतीत विश्वास भरोसा पता नहीं एहो कारण है सिख रोज मंगी जांदा है भरोसा अरदास विच एक लफज ने ना सिखी दान केस दान निशा दान अगे की है भरोसा दान भरोसे दी इन्नी जरूरत है कदी ख्याल करो भरोसा जीवन का कितना जरूरी अंग है इनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता हर पल ते हर कदम ते हर खेत्र विच जीवन दे हर खेत्र विच भावें वो समाजिक है भावें वो परमारित है भरोसे की लोड़ है कोई रिश्ता दुनिया का कायम नहीं रहता जे भरोसा टुट जाए जिथे भरोसा टुटिया उथे रिश्ता खत्म हो गया यो कारण है मनुख जीवन भर गुआढ़ी गाहक ते परिवार ते मित्रां विच भरोसा ही तो कायम करना चाहता है क्योंकि भरोसा किसे दे अंदर पैदा करना तो कितने गया मनुख नू अपने आप ते भी भरोसे की लोड़ है पौड़ी चढ़न लगा ये भरोसा है ना कि मैं चढ़ जावांगा
ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਠੇਡਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੀ ਠੇਡਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਮਲਾਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਚੁੱਪੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਾਫਰ ਪੈਸੰਜਰ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ। ਮਲਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਲਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਮਲਾਹ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਮਲਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਹੇ ਨਾਮ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਆਖਣਗੇ ਮਲਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ।
भरोसे ते सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े भरोसे तेरे, कि बेड़े कदी डुबदे नहीं, डुबदे नहीं, पर अगली किश्ती ते अगली बेड़ी ते फिर पसेंजर बैठे ने, क्योंकि भरोसे बिना गुजारा ही नहीं। भरोसा जीवन का एक, मैं अंदर सोच रहा सा सिर्फ भरोसे नूं आपां विचार लईए, एक लफज है श्री गुरु गोबिंद साहब की बाणी का, आपां उस शब्द ते खलो जाइए। बेड़ा डुब रहा, वेखियां वेखियां डुब गए, अगला बेड़ा फिर भरिया हो जा रहा है, डुबदा वेख के भी भरोसा नहीं छड्डिया, क्योंकि उन्दे बिना गुजारा नहीं। दरिया जिन्हें पार करना है उन्हों तो भरोसे की लौड़ है, जा तो फिर रुक, बल्कि बिल्कुल उहो ही लफज, जिथे मनुख के जीवन विचों भरोसा उड्डिया जीवन की रवानगी उथे रुक गई, जीवन की रवानगी भरोसे बिना हो ही नहीं सकती। जहाज क्रैश हो रहे हैं, फ्लाइटा फिर भरिया हुई, रोडां ते एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, पर बसां फिर भरिया हुई। दुनिया नूं पता है, संसार समझदा है कि भरोसे बिना जिंदगी करना ही पैना है, इंदे बिना चल ही नहीं सकता, करना ही पैना है। ते फिर मसला ये है, जे भरोसा करना ही पैना है ते कीते बिना तेरा गुजारा नहीं, कदम नहीं चलता, हर कदम ते तू तेरा तो रिश्ता संसार समाज ही नहीं चल सकता, जे तेरा भरोसा ना रहे। जे भरोसा शब्द एनी इंपॉर्टेंस रखता है, प्रतीत विश्वास भरोसे का ही दूजा लफज है, प्रतीत विश्वास, जे तेनू पता हुए कि भरोसा लफज तेरे जीवन विच एनी महानता एनी महत्ता रखता है एनी इंपॉर्टेंस रखता है, तो तू भरोसे नूं ही समझ लै। गुरु ने बाणी अंदर एक थां ते एक लफज आके ने कहन लगे, जे भरोसा करना तेरे लिए जरूरी है ते सिर्फ ए ना सोच भी भरोसा छड़ दे, क्योंकि संसार अंदर भरोसे टुट रहे ने, अज ते ज्यादा टुट रहे ने। अज ते मनुख दी हालत ए है कि मनुख अपने पुत्र ते पुत्र पुत्रता ते भरोसा नहीं कर सकता, भरा भरा ते भरोसा नहीं कर सकता, पति पत्नी ते भरोसा, पत्नी पति पति ते भरोसा, घर दे जी एक दूजे ते भरोसा नहीं करदे। अज समाज है तो समाज छड़ना तो नहीं ना, किसे ने छड़ नहीं सकदे। जिवें जहाज क्रैश होंदा पर जहाज छड़ नहीं सकदे, बसां दे एक्सीडेंट होंदे ने पर बसां छड़ नहीं सकदे, जरूरी है। ते जे तुसी समझते हो कि भरोसा साडे जीवन लई बहुत जरूरी है पर खतरनाक भी है, ते फिर एनी गल सोच छड़ ना, सिर्फ एनी गल सोच कि भरोसा करना किंदे ते जिंदे तेरी रिस्क खत्म हो जावे। ये तो मनुख सोचता है ना, ये तो दुनिया का हर मनुख सोचता है, पता लग जाए इस फ्लाइट ते रिस्क नहीं जाएगा, ये ड्राइवर शराब पीती हुई है इसलिए मैं इंदे ते सफर नहीं करना क्योंकि खतरा है। इंदा मतलब तू खतरे नूं भी पछाण सकना है, जरूरी नहीं कि तू भरोसा छड़ दे, मैं भरोसा तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ तू ये सोच भी भरोसा किंदे ते करना है।
लो अज साडे सामने सवाल है परोसा किंदे ते कर गुरु कहंदे ने किन्हीं किया परवीरत पसारा परवीरत पसारा दा मतलब है बड़ा दुनियादार परवीरती मार गए ना संसार इन्दे विच जिन्दे बहुत सारे कारोबार होन बड़े वड्डे दौलत दे अंबार होन बैंक बैलेंस हो कारोबार वड्डा होवे कोठियां कारां वड्डियां होन ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਵਿਰਤ ਪਸਾਰਾ ਪਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मैं तो हैरान हूं कई दो साल की चार साल की पांच साल की गरंटी देंदे ने अपनी वस्तु की अपनी मशीनरी की तो कई लोग अगले का मन जितने लिए भरोसा कायम करने आखते हैं लाइफ टाइम गरंटी है जी रोजाना जीवन में कई गल्लां लभदियां ले मेरी चीज़ की तो लाइफ टाइम गरंटी है वह भलिया तू तो बिल्कुल गरंटी खत्म कर दी है क्योंकि लाइफ की गरंटी कोई नहीं ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਰੰਟੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਲਾਗੇ ਠਣਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਵਜਣ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਲਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਭਈ ਮਤ ਮਧਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਂ ਪਵੇ ਲੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਲੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ
प्रतीत होवे तिसका गाविया ठाए पवे सो पावे दरगे मान। इहदे उल्ट नाल जवाब भी दे दिता, कहन लगे जिन्हां नूं प्रतीत नहीं जो बिन परतीती कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे। प्रतीत कोई नहीं पर समाधियां लाउंदे ने अखा मीट लैंदे ने। लोग कहिंदे ने बड़ी समाधि लगी होई है। गुरु कहिंदे ने प्रतीत एक वक्री शक्ति है। पर हुणे एक लफज आए सन कि हे मेरे मालिक आन ना जाना वेसा। वेसा दा मतलब की बाना पहरावा शक्ल जिहड़ी बना ली जा सकदी है। बहुत देर हुई मैं एक बार लफज वरते सन कि एक भलिया एक दर्जी कोलों दो घंटे विच कशहरा सवाया जा सकदा है। लोहार अद्धे घंटे घंटे विच एक सिरी साहब बना सकदा है, एक बाटा तैयार कर सकता है, पानी लिया सकने हैं, पतासे बन सकते हैं। पर भलिया बाणी तेरे को नहीं बननी। ये सब कुछ पा के भी इकट्ठा करके भी तू जे आखे धर्मी बन गया है तो बिल्कुल नहीं। धर्मी यूं नहीं बनिया जाना। ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਲਾ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਤ ਜੋ ਬਿਨ ਪਰਤੀਤੀ नीच की संगत। बगले नु नीच क्यों आखिया, अखा तो भी मीटता है। सतगुरु ने बाणी में आख्या बगला बगले वर्गी समाधि कौन लगांदा है। पर उनकी समाधि प्रतीत दी नहीं भरोसे दी नहीं। हुण दूजा पक्ष यह भी लेना है। गुरबाणी अंदर कोई गल लुका के नहीं रखी कि भरोसे का मतलब यह नहीं कि तू कुछ करना छड़ देवें। लो मेरा रब मैनू देवेगा मैं खावांगा, इहनू असीं महान ते इहनू वड्डा भरोसा समझांगे। यह भी तो भरोसे में शामिल हो जाएगा कि मेरा रब मैनू दे। मैं तो कुछ इसलिए नहीं, मैं कोई काम नहीं करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर दोनों पक्ष नाल नाल कीते ने। एक पासे आख दिता है काहे रे मन चित वै उद्दम, काहे रे मन चित वै उद्दम, जा आहर हर जियो परे आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंत उपाय तन का रिजिक आगे कर तरया। ऐसे हूँ भरोसा आ गया ना, एक पक्ष भरोसे का आ गया भी भलिया इन्ना विश्वास कर जेड़ा पत्थर विच कीड़ा बैठा है
जिन्हों दरवाज़ा कोई नहीं, राह कोई नहीं, जिथे कोई मार्केट नहीं, जिथे कोई कारोबार नहीं करन लगे, उन्हों भी रोटी मिली जा, आखिर तक आहार उन्हों भी मिल रहा है, तैनू क्यों नहीं मिलेगा। लो एक पक्ष भरोसे दा आ गया। पर फिर गुरु किसी गल नूं छुपांदा नहीं, कहिंदा भरिया किते इस दा मतलब यह ना समझी कि उद्दम छड्ड देवें। मैं एक बार अर्ज की सी, उड़े तो उद्यम शुरू हुंदा ते ऐड़े तो अरदास शुरू हुंदी, फिर तो अरदास दी भी लोड़ नहीं। उत्थे गुरु नाल ये भी कह रहा है, उद्यम करें दिया जियो तो भरोसा तेनू ये होवे कि मन विच चिंता कोई नहीं, सुख सहज आनंद निवासे, इस शब्द की लाइन है सिमरत स्वामी त्रिविख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, आनंद सुख निश्चिंतता बेफिक्री उस भरोसे होवे, उस परवासे होवे कि मन अंदर ख्याल होवे मैं उन्दे हुक्म विच उद्यम करना है, मैनू ये फिक्र नहीं कि मेरी रोटी मैनू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तैनू ये पता होवे कि सैल पत्थर में जंतु पाए तंग कर रिजक आगे कर तरिया, दो चीज़ा इकट्ठियां उद्यम ते अरदास, दो चीज़ा इकट्ठियां हो जाए ते फिर परवासा कंप्लीट बनता है। इसलिए गुरु ने नाल ही ये लफज कह दिते, उद्यम करें दिया जियो तो, उद्यम करें दिया जियो तो, कमाओ दिया सुख भुंज, ये भी भरोसा है। भरोसे का एक हिस्सा जिहड़ा अपने आप, क्योंकि अपने आप से उद्यम होएगा ता ही होएगा जे पहला अपने आप से भरोसा होएगा कि मैं ये काम कर सकना, मैं जॉब कर सकना। इसलिए एक ख्याल करिए, जदों तू उद्यम करेंदे आ जीव, तू कमावदे आ सुख पहुँचदे घेरे विच आउणा है, उदों तैनू अपने आप से भरोसे वाली गल बन जाती, क्योंकि दोवें भरोसे की लोड़ है। क्योंकि शरीर तन मन जीव तैनू उसने दिता है, इसलिए तैनू इन्दे तो भी नफरत नहीं करनी। मैं एक बार अर्ज की सी, वो भरिया संसार तो नफरत करें, घर बार छड़ के जंगलों जावें, किसी होर ने बनाए ने, उसे ने बनाए ने जिन्हें तैनू बनाया है। इसलिए एक खल करी, उद्यम करेंदे आ जीव, तू कमावदे आ सुख पुंज, तेरा अपना भरोसा है अपने आप से, उद्यम ता ही करेगा, कमाई करन ता ही निकलेगा जे पहला अपने आप से भरोसा होगा। तो अगली लाइन की है, अगली लाइन है रब ते भरोसा। दोवें लाइन दो पासे जुड़ती, पहला है उद्यम करेंदे आ जीव, तू कमावदे आ सुख पुंज, ते अगली लाइन है ध्यान दे आ तू प्रभु मिल, उथे उंदे भरोसे दी गल है। तू उद्यम भी करें तो अपने अंदर भी भरोसा तेरे पैदा, अंदरली शक्ति, आत्मिक शक्ति, शरीरक शक्ति भी पैदा हो गई, ते दूजे पासे कमावदे आ सुख पुंज तो बाद ध्यान दे आ तू प्रभु मिल, तू तेरे मन ते ध्यान विच ए भी रवे कि मेरा उद्यम ही सब कुछ नहीं, मैनू देन जिन्हें पैदा किया उन्हें मैनू देना है। दो चीज़ा इकट्ठियां कर, ते गुरु कहिंदे ने दोनों चीज़ा इकट्ठियां किवें हुंदियां ने, तो मैं आया सरनी आया भरोसे आया, भरोसे आया कृपा आया, ते अगली लाइन की है, जो भावे त्यों राखो स्वामी ए मार्ग गुरे पठाया, गुरु ने मैनू इस रस्ते तोरिया, समझाया कि भलिया उद्यम अपनी शक्ति
अपनी चेतनता अपना भरोसा अंदरली आत्मक शक्ति ते ध्यानदेया तू प्रभु मिल निरंकार ते भरोसा दोनों चीज़ा इकट्ठिया कर लाए। कहने लगे जिस दिन दोनों चीज़ा इकट्ठिया हो जाएगियाँ ये निशानी किंदी है ये किंदे कोल इकट्ठिया होंदिया ने इनका फैसला इको लाइन विच है। तो कहने लगे राम जना का मतलब है रब दे बंदे, रब दे बंदे दी ये निशानी है। राम जना को जेडे प्रभु दे अखवान जिन्हों का प्रभु नाल कोई रिश्ता है जेडे मालिक नाल कोई संबंध रखते ने उन्हों दी निशानी की है वो उनका भरोसा नहीं गवाते उन्होंने ते विश्वास रखते ने कि असी अपना उद्यम करना देना सानू मालिक ने। कह लगे राम जना को राम भरोसा राम जना को राम भरोसा नाम जपते नाम जपते सब मिट अंदेसा फिक्र चिंता। तो जदों तुसी उद्यम करदिया होया मालिक ते भरोसा रखते हो फिर तुहानू कोई चिंता नहीं रहिंदी। नाम जपते सब मिटियो अंदेसा दवांदे ने भरोसा लफज समझ लै इन्दे बिना जीवन अधूरा है। भरोसा चाहिए अपने आप ते भी चाहिए परिवार विच भी चाहिए मार्केट विच भी चाहिए समाज विच भी चाहिए पर समय सारे भरोसे किसी किनारे ते जाके कई बार टुट जाते ने फिर भी असी बनाने फिर भी कोशिश होंगी बने रहने सब कुछ बनिया रहे पर जिथे भरोसा कदी टुटदा ही नहीं जो मंगे सोई सोई पावे अपने खसम भरोसा जेड़ा मालिक कदी अपने दरवाजे बंद ही नहीं करता उन्दे ते भी भरोसा बना इसलिए ताकि कदी जीवन दे दरवाजे औकड़ा दे सामने आके बंद ना हो जान। आखिर संसार दे दरवाजे बंद होंदे ने हवाई जहाज क्रैश होंदे ने बसा एक्सीडेंट होंदिया ने मला दे देखदिया देखदिया किश्तियां बेड़े डुबदे ने पर तेरा भरोसा नहीं खत्म होंदा ते फिर मालिक ते भरोसा क्यों नहीं करता। भरोसा जीवन का जरूरी अंग है भावें उस संसारिक है ते भावें परमार्थक है इसलिए भरोसे नूं संभाल के रखो ताकि जीवन कदी अधूरा ना होवे। इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जाचे खां फतेह बुलाओ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।